नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा संगीता और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के पेशेंस और वेटिंग के बाद मेरा पहला न्यू हारमोनियम फाइनली आज आया है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अकेले क्यों खोलूँ, आप सबके साथ मिलके खोलती हूँ। तो देर किस बात की, चलो हम मिलके अनबॉक्सिंग करते हैं मेरे न्यू हारमोनियम की। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी से इसको मैं खोल लेती हूँ। ये बाय द वे मैंने हारमोनियम गुजरात से मंगवाया है। वहीं पे भावनगर में काफ़ी सारे हारमोनियम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये रीड्स बनाते हैं। उनकी रीड बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली होती है, उनका टोन जो होता है बहुत प्यारा होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे हारमोनियम मैन्युफैक्चरर्स जो है वो पालीतना से रीड्स मंगाते हैं और अपने हारमोनियम में डालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पालीतना से ही मेरी पहली हारमोनियम मंगाऊं। आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी बढ़िया पैकेजिंग की है, पहले एक प्लास्टिक, फिर कार्टन, फिर एक मोटा प्लास्टिक, एक पतला प्लास्टिक और एक अब रेक्सिन कवर भी है। सो ये ऑनलाइन मंगाया, पर देखिए उन्होंने कितनी हर चीज़ के लिए उन्होंने ध्यान दिया है कि बिल्कुल भी मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है बारिश के वजह से या थोड़ा रफ़ हैंडलिंग के वजह से भी डैमेज ना हो। सो मैंने पोर्टेबल हारमोनियम मंगाया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये एक सूटकेस फॉर्म में है। तो आप जब भी हारमोनियम ख़रीदते हैं तो आप ये सोचिए कि आप एक लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हारमोनियम आप उसे बेचने नहीं वाले, समझिए। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल बाद इसे यूज़ करेंगे और बेच देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 4-5 साल अगर आप लगातार इसे यूज़ करें, इसके सुर इतने मीठे हो जाएंगे जो नए हारमोनियम में नहीं आते। तो मैंने सोचा जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो फिर मैं नॉर्मल हारमोनियम ना लेके मैं स्केल चेंजर और काफ़ी इसमें और भी फीचर्स हैं, मैंने सोचा कि थोड़े फीचर्स वाले ही हारमोनियम ले लूँ तो मेरे लाइफ टाइम के लिए मेरा थोड़ा अच्छा रहेगा। वाओ, नाइस। अपने देश में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को माँ सरस्वती देवी का ही एक रूप माना जाता है, और क्योंकि ये मेरा पहला नया हारमोनियम है तो इसे खोलने से पहले या इसे यूज करने से पहले मैं एक छोटी सी पूजा जरूर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपको मेरा नया हारमोनियम खोल के दिखाती हूँ। जिसे आप देख सकते हैं इन्होंने कीबोर्ड के लिए भी एक अच्छा कवर दिया है और यहाँ लॉकिंग सिस्टम दिया है ताकि जब मैं यूज नहीं कर रही हूँ इसको अच्छे से पैक करके रख सकूँ और मेरी जो कीबोर्ड है बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। सुंदर इसका ऊपर का भी कवर निकाल देती हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं। वाह, काफी बढ़िया दिख रहा है ये। ये मेरा जो है 3 रीड वाला है और ये बास मेल और फीमेल का है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारी कीस, ये इसी को हम रीड्स कहते हैं। ये 3 लाइन रीड्स हो गया और इसी में से सुर निकलते हैं। मेरा 9 स्टॉपर वाला हारमोनियम है तो ये जो 5 ये ड्रोन्स का है और ये 4 जो है
स्टॉपर के कीज है। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा ये प्ले करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके स्टॉपर्स खोल लेती हूँ, जिसके आप ये देख रहे हैं, ताकि एयर का अच्छा सप्लाई हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 7 बेलो या 7 पंख वाला, जो हिंदी में कहते हैं 7 पंखों वाला मंगाया। एज यू कैन ऑलरेडी सी, ये 3 सप्तक का मैंने लिया है। अगर आप प्रोफेशनल हारमोनियम प्लेयर बनना चाहते हैं या प्रोग्राम्स में जा रहे, तो कुछ प्लेयर्स तो 3-4 सप्तक भी लेते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। पर अगर आप घर के डेली रियाज के लिए, सीखने के लिए, सिंगिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं हारमोनियम सीखने के लिए, तो आई थिंक 3 सप्तक तक काफी हो जाएगा। ये स्केल चेंजर हारमोनियम है, तो स्केल चेंज करने का जो है ये यहाँ से सिस्टम होता है। तो मैं इसे यहाँ से ई से उठा के यहाँ शिफ्ट करूंगी। जनरली मैं देखती हूँ लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो बस हारमोनियम के फोटो देख लेते हैं या खाली 2-4 रिव्यूज देख लिए वैसे खरीद लेते हैं। एक्चुअली आपको हारमोनियम वैसे नहीं खरीदना चाहिए। तो ये जो मैंने हारमोनियम खरीदा है, ये मैंने अपने पापा और मेरे गुरुजी से पूछ के खरीदा है। उनको बहुत मुझे तो बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इन चीजों में। यहाँ से भी मैंने खरीदा है, मैंने उनको कहा कि प्लीज वीडियो भेजिए, इसके सूर सुनने थे मुझे। तो ये सब मैंने सूर मेरे गुरुजी को, मैंने वो वीडियो दिखाया, मैंने अपने पापा को दिखाया, और भी 1-2 हारमोनियम एक्सपर्ट थे वहां, मैंने फॉरवर्ड किए, तब जाके जब उन्होंने अप्रूव किया तब मैंने खरीदा। अगर आपको हारमोनियम खरीदने में कोई भी इंटरेस्ट है या आप कोई भी जानकारी चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ हारमोनियम्स के लिंक डालूंगी जो मुझे लगता है शायद वो अच्छे हैं, तो आप उन्हें भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में बेल आइकन को दबाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और क्या आप भी हारमोनियम खरीदने का सोच रहे हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।